नमस्कार, मैं राजा कुमार, स्वागत करता हूँ आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं LPL का जो आज दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, ओवरऑल LPL का मैच नंबर 17 जो कि जाफना किंग्स वर्सेस कोलंबो स्ट्राइकर्स के बीच में खेला जाएगा, उसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे, परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। ध्यान रखिएगा, टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद हमारी टीम में कुछ ना कुछ फेरबदल जरूर होंगी, जिसको लेके मैं आपको अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा हमारा आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोगों में से अभी भी कोई भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किस बात की देरी है, सबसे पहले YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बाकी आइए मैच को लेके बात करते हैं। मुकाबला खेला जाएगा आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे एवरेज स्कोर को लेके, आपको 140-160 के बीच देखने को मिलेगा। हाईएस्ट टोटल 214, लोएस्ट टोटल 69। अगर हम बात करेंगे वेन्यू T20 स्टैट्स को लेके, टोटल मैच खेले गए 89, जहां पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 43, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 46। T20 स्कोरिंग पैटर्न के ऊपर ध्यान देंगे, बिलो स्कोर 150 बने हैं 42 टाइम्स, बिटवीन 150-169 के बीच में बने हैं 19 टाइम्स, बिटवीन 170-189 के बीच में बने 20 टाइम्स, अबव 190 बने 8 टाइम्स। अब आइए हम फटाफट बात करते हैं यहाँ पे जो रिसेंट मुकाबले खेले गए हैं उसमें कैसे क्या स्कोर बना है, वही आपको बताएगा पिच का एक्चुअल नेचर। अब आप भी सोच रहे हो राजा भाई आपकी आवाज लगने के पीछे की वजह क्या है, मैं सब लगातार 3 रातें जगा हूँ, शादी वादी अटेंड करना था, कल यूट्यूब का इवेंट था उसमें पूरे दिन लगे थे, और उसका ब्लॉग वीडियो भी मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ, साथ में हमारी जो है सिंगापुर का ट्रिप भी है 16 से लेके 24 तक, तो इस बीच में मैं अनअवेलेबल भी रहूँगा। देन आफ्टर हमारी काम जो है जैसे चल रही है वैसे सुचारू रूप से चलेंगी। अब यहाँ पे देखिएगा 13 जुलाई 2024 को बारिश बाधित मुकाबले में कैंडी फाल्कोंस पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाती हैं 7 ओवर 78 रन 5 विकेट, जवाब में जाफना किंग्स 5.5 बॉल में ठोक देती है 79 रन 6 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 5, स्पिनर 0, सेकेंड इनिंग पेसर 3, स्पिनर 2 विकेट। उससे पहले 18 जनवरी 2024 को जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाती है 82 रन 10 विकेट नुकसान पे, जवाब में श्रीलंका 88 रन 1 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 3, स्पिनर 7, सेकंड इनिंग पेसर 0, स्पिनर 1 विकेट। इससे पहले जाओगे 16 जनवरी 2024 को श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाती है 20 ओवर में 173 6 विकेट नुकसान पे, जवाब में जिम्बाब्वे 178 6 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 5, स्पिनर 1, सेकेंड इनिंग पेसर 3 विकेट, स्पिनर 3 विकेट। अब बात आती है पेस वर्सेस स्पिन, लास्ट के 5 T20 मैच जो यहां पे खेले गए पेसर्स को मिले 27 विकेट, स्पिनर को मिले 27 विकेट। ध्यान रखिएगा आज का जो पहला लंका प्रीमियर लीग का मुकाबला होगा वो भी इसी वेन्यू के ऊपर खेले जाने हैं, उसमें पिच कैसे बिहेव करती है वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। हेड टू हेड को लेके बात करेंगे, दोनों टीम आमने सामने आई है 6 दफा, जहां पे कोलंबो स्ट्राइकर्स की टीम जीती है 3 बार और जाफना किंग्स जीती है यहाँ पे टोटल 3 दफा। अगर हम बात कर लेंगे जाफना किंग्स के लास्ट 5 T20 मैच विन विन लॉस विन विन, वही कोलंबो स्ट्राइकर्स लॉस लॉस विन लॉस विन। अब आइए हम फटाफट बात करते हैं दोनों टीम अपने लास्ट मुकाबले में कैसे क्या प्रदर्शन करके आ रही है। अब कोलंबो के पास क्या है ना, इनके पास ऑप्शन जम के है, जहां पे मैं पहले बात कर लूंगा यहां पे सामने वाले टीम किसका, जाफना किंग्स का, निशंका 5 किए थे, कुशल मेंडिस 0, ये 7 ओवर वाले मुकाबले थे, तो इसमें बल्लेबाज को देख के आपको ये डिसाइड नहीं करना है ये फ्लॉप गए थे ये हिट कर गए थे। मुकाबला जैसे बड़ा होता तो यहाँ पे कुशल मेंडिस, निशंका, अडुसो ये लोग अच्छा करते ही। अब इसका फर्नांडो 16 रन किए हुए थे, असलंका 26, लहरू समरकुंद 0, अजमतुल्ला उमरजय 24 और आहान विक्रम सिंह 0 रन। गेंदबाजी में बेरेंडॉफ 2 ओवर 10 रन 3 विकेट, असीता 2 ओवर 19 रन 1 विकेट, अजमतुल्ला 2 ओवर 20 रन 1 विकेट, लहरू समरकुंद 1 ओवर 28 रन और 0 विकेट। अब अगर हम बात कर लेंगे इस टीम को लेके, मतलब कोलंबो स्ट्राइकर्स को लेके, गुरवास 27,
एंजेलो परेरा 34 पे हो गए थे रिटायर्ड, और हमारे लास्ट मैच के कैप्टन ग्लेन फिलिप्स लगाए थे 58 रन। तीसरा परेरा 13, समर विक्रमा 7, और लास्ट मैच में समर विक्रमा विकेट कीपिंग नहीं किए थे, किए थे गुरबाज। फिर निपुण धनंजय 2 किए थे, चमिका कर्णत ने 9 रन, शादाब खान 0, और दुनित विल्ला लगे किए थे 13 रन। गेंदबाजी में इन्होंने अपने सारे ताश के पन्ने जो है वो खोल दिए थे। दुनित विल्ला लगे 2 में 16 रन, 1 विकेट। डी फर्नांडो 3 ओवर 3 गेंद 35 रन, 0 विकेट। तस्कीन 3 ओवर 38 रन, 1 विकेट। परेरा 2 में 15, शादाब 2 ओवर 15 रन, 1 विकेट। ग्लेन फिलिप्स 2 में 22, उसके अलावा थिराना 3 में 33 रन, 0 विकेट। चमिका कर्णत ने 1 ओवर 16 रन, 0 विकेट। अब आइए हम बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर जाफना किंग्स का क्या हो सकता है। आपको दिख जाएंगे निशंका के साथ कुशल मेंडिस, अब इसका फर्नांडो रेलिसो बैटिंग ऑर्डर इनका ऊपर नीचे होगा। चरित असलम का जेन अख्तर आपको जो इस मैच में दिख जाएंगे, फेविन एलन, अजमतुल्ला उमर जय, वैशकांत तबरे शमसी, फर्नांडो और जेसन वेरेंडॉफ। गेंदबाजी में वेरेंडॉफ का 4, असीता का 4, तबरेज का 4, उसके अलावा मुझे लगता है उमर जय 2 से लेकर 4 ओवर के बीच में, और जो ओवर कटेगा वो वैशकांत और आपको दिख जाएंगे फेविन एलन डालते हुए। सामने लेफ्टी ना के बराबर है तो शायद असलंगा का कुछ भी यूज ना हो। अब आइए हम नीचे बात कर लेते हैं प्लेयर स्टैट्स को लेके। पहला नाम कंसिस्टेंसी से खेलते हुए प्रथम निशंका का है, हेड टू हेड 3 मैच में 73, वेन्यू को भूलना ही सही होगा। यहां पे 16 मैच खेले 178 13 का एवरेज, रिसेंटली 5-6 119, 88-12। कुशल मेंडिस हेड टू हेड जबरदस्त है, 9 मैच में 242 रन, 31 का एवरेज, वेन्यू पे 36 मैच में 816 रन, 26 का एवरेज, रिसेंटली 0-5 26 18 30। अब इसका फर्नांडो एलपीएल के बेताज बादशाह, हेड टू हेड 6 मैच में 210 रन, 38 का एवरेज, वेन्यू पे 18 मैच में 262 रन, 23 का एवरेज, रिसेंटली 16-58 16-57 14। फिर आपको दिख जाएंगे रैली रूसो, इनका देखिएगा हेड टू हेड 1 मैच में 108 रन, वेन्यू पे 2 मैच में 37 रन, रिसेंटली 6-108 पे नवाद 41-12 6। चरित असलंका हेड टू हेड 6 मैच में 99 रन, 2 विकेट, वेन्यू पे 25 मैच में 628 रन, 5 विकेट, रिसेंटली 26-11 पे नवाद 2 रन, 0 विकेट, 13-14 रन, 0 विकेट। अजमतुल्ला ओमरजा हेड टू हेड 1 मैच में 2 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच 24 रन, 1 विकेट, रिसेंटली 24 पे नवाद 2 विकेट, 0 विकेट, 19 रन, 1 विकेट, 35 रन, 2 विकेट। इनके नीचे आ जाओगे आपको दिख जाएंगे फेबियन एलन, हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 5 मैच 9 रन, 3 विकेट, रिसेंटली डू नॉट बैट डू नॉट बॉल 1 विकेट, 10 रन, 0 विकेट, 4 रन, 1 विकेट, 1 विकेट। वैशकांत हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 5 मैच में 4 विकेट, रिसेंटली डू नॉट बॉल 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। तबड़े शमसी हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 5 मैच में जबरदस्त 6 विकेट, रिसेंटली डू नॉट बॉल 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। नीचे जाओगे असीता फर्नांडो हेड टू हेड 4 मैच में 5 विकेट, और डेथ स्पेशलिस्ट है इस टीम का, वेन्यू पे 8 मैच में 13 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। जेसन वेरेंडॉफ वेन्यू पे 1 मैच में जबरदस्त 3 विकेट, रिसेंटली 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। नीचे जाओगे स्टार्टिंग और आपको दिख जाएंगे जेसन वेरेंडॉफ, असीता फर्नांडो और ए ओमर जय। डेथ में वेरेंडॉफ, असीता फर्नांडो और ए ओमर जय। बेंच पे दिखेंगे ये सारे नाम, इनमें से अगर कोई खेलते हैं तो आपके सामने उनका स्टेटस होगा, अब चाहो तो उनको बैक करके चल सकते हो। अब आइए हम बात करते हैं कोलंबो स्ट्राइकर्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकता है। ओपनर दिखेंगे अगर एंजेलो परेरा फिट हो जाते हैं तो एंजेलो परेरा, गुरबाज फिलिप्स, समर विक्रमा, दुनित विल्ला लगे, तीसरा परेरा, सदाब खान, चमिका कर्णरत्ने, तस्कीन अहमद, बी फर्नांडो और मतीसा पाथिराना। गेंदबाजी में पाथिराना, फर्नांडो, तस्कीन और सदाब, इन चारों को 16 ओवर मिलके डालनी चाहिए। सामने रैली रूसो और चरित असलंका के सामने 1 ओवर फिलिप्स भी डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे विला लगे, श्री कर्णरत्ने और तीसरा परेरा मिलके आपको दिखेंगे लगभग 4 ओवर डालते हुए। इनके पास गेंदबाजी में ऑप्शन जम के भरे पड़े हैं। प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात करेंगे, आपको ऊपर से दिख जाएंगे एंजेलो परेरा हेड टू हेड 7 मैच में 82 रन, वेन्यू पे 29 मैच में 357 रन, 0 विकेट, रिसेंटली 34-41 38 15 रन, 1 विकेट, 34। गुरबाज हेड टू हेड 1 मैच में 27 रन, वेन्यू पे 9 मैच में 181 रन, 20 का एवरेज है, रिसेंटली 27-36 20-29 17। ग्लेन फिलिप्स हेड टू हेड 1 मैच में 58 रन, रिसेंटली 58 रन, 0 विकेट, 52-70 26 रन, 0 विकेट, 0 रन, 1 विकेट।
नीचे से आपको दिखेंगे सदीरा समर विक्रमा। हिट टू हिट 4 मैच में 52 रन, वेन्यू पे 22 मैच में 327 रन 18 का एवरेज है। और अगर ये विकेट कीपिंग नहीं करते हैं फिर आपके लिए क्वालिटी वाले पिक नहीं होंगे। रिसेंटली 7, 4, 5, 16, 48 दुनित विला लगे। हिट टू हिट 1 मैच 13 रन की विकेट, वेन्यू पे 7 मैच में 26 रन 3 विकेट, रिसेंटली 13 रन की विकेट, 0 रन 0 विकेट, 6 रन 0 विकेट, 45 रन 0 विकेट और जबरदस्त 4 विकेट। तीसरा परेरा हिट टू हिट 1 मैच में 13 रन 0 विकेट, वेन्यू पे 44 मैच में 711 रन 22 विकेट, रिसेंटली 13 रन 0 विकेट, 7 रन 0 विकेट, 6 रन 1 विकेट, 18 रन 0 विकेट, 38 रन 0 विकेट। फिर आपको दिख जाएंगे सदाब खान, हिट टू हिट 1 मैच में 0 विकेट, रिसेंटली 0 रन 0 विकेट, 4 रन 0 विकेट, 23 रन 1 विकेट, 0 रन 4 विकेट, 20 रन 4 विकेट। चमिका करुणरत्ने हिट टू हिट 7 मैच में 160 रन 2 विकेट, वेन्यू पे 26 मैच में 192 रन 13 विकेट, रिसेंटली 9 रन 0 विकेट, 27 रन 0 विकेट, 13 12 रन 0 विकेट, 25 रन 0 विकेट। तस्कीन अहमद हिट टू हिट 1 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 3 मैच में 3 विकेट, रिसेंटली 15 रन 1 विकेट, 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, 13 रन 0 विकेट। उसके अलावा वी फर्नांडो हेड टू हेड 3 मैच में महज 1 विकेट, वेन्यू पे जबरदस्त 16 मैच में 21 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट। मतीसा पाथिराना बॉलिंग फर्स्ट में कैप्टन वीसी देके जा सकते हो। हेड टू हेड 2 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 4 मैच में 3 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट। बात करूं स्टार्टिंग ओवर्स को लेके, आपको दिख जाएंगे तस्कीन अहमद, दुनित विला लगे, बी फर्नांडो डेथ में शदाब खान आ सकते हैं, फिर बी फर्नांडो, तस्कीन अहमद और मतीसा पाथिराना। अगर हम बात करेंगे बेंच पे तो ये सारे नाम होंगे, इनमें से अगर कोई खेलते हैं तो उनका स्टेट्स भी मैंने सामने मेंशन कर दिए, आप चाहो तो बैक करके चल सकते हो। अब आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर। ध्यान रखिएगा टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद हमारे टीम में अगर कुछ फेरबदल होती है उसका अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और फटाफट टेलीग्राम चैनल से अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल मैंने विकेट के पीछे समर विक्रमा, गुरबाज और कुशल मेंडिस को ली है। बैटिंग से रैली रूसो, ग्लेन फिलिप्स, अविष्का फर्नांडो, निशांका को ली है। ऑलराउंडर से सदाब खान, उमर जैक को लिया हुआ है। बॉलिंग से विरेन डॉप और मतीसा पाथिराना को जगह दिया हुआ है। कैप्टनसी की भार मैंने यहाँ पे फिलिप्स को कैप्टन और वीसी सदाब खान को दिए। इनके अलावा कुशल मेंडिस, गुरबाज, रैली रूसो और निशांका आपके लिए कैप्टन वीसी के अच्छे मटेरियल होंगे। मिनी जीएल जीएल में मतीसा पाथिराना, विरेन डॉप, अजमतुल्ला, उमर जैक भी आपके कैप्टन वीसी के मटेरियल हो सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।